नमस्कार दर्शकों, यहाँ पे हम आए हैं हुंडई शोरूम में। और पिछली बार जो है मैंने अपनी रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था और सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट करी थी हमारी चैनल की, लेकिन इस बार नहीं किए तो वो अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया है। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। हुंडई की वेन्यू कौन सी वेरियंट है? ये वाली हम लोग कवर कर रहे हैं 1 लीटर टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ये 1 लीटर भी है साथ ही साथ SX ऑप्शनल वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट, तो सारे फीचर्स जो है ये आपको मिल जाएंगे। और ये सारी फीचर्स 1 लीटर और दूसरे में भी शेयर होती है? नहीं, सारे फीचर्स आपको ऑब्वियसली देखिए डीजल पे आपको 1.5 लीटर इंजन का मिलता है ऑप्शन, इंजन छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। फीचर्स आपको अगर देखें तो सेम आएंगे। ठीक है, तो जो भी जितने भी लोग हैं वो फीचर्स देखने के लिए आए हैं, गाड़ी कैसी है वो देखने के लिए आए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इंजन का डिफरेंस है यहाँ पे। बट 1.2 इंजन वो आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। ओके, और वो बेसिक वेरिएंट्स में आती है। ओके ओके, तो यहाँ पे 1.2 नहीं है ऊपर के वेरिएंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जब आप इतनी पैसे लगा रहे हैं तब अच्छी एक इंजन तो लेनी है आपकी बनती है, क्योंकि 1.2 की इंजन उतनी अच्छी नहीं है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर में। यहाँ आपके सामने जो खड़ी है वो है हुंडई वेन्यू की टॉप एंड वेरिएंट, जो देख सकते हैं वो सारी बेल्स एंड विसल्स के साथ आती है। यहाँ पे बढ़िया सा टेक्सचर, जो ऊपर की इंडिकेटर हाउसिंग वो है, वहाँ पे देख सकते हैं DRLs, यहाँ पे पूरी आउटलाइनिंग की गई है और प्रोजेक्टर्स के साथ यहाँ पे मौजूद की गई है। लेकिन ये साइड में आप देख सकते हैं ये टर्निंग जो असिस्टेंस वाली लाइट है वो वहाँ पे दी गई है। नीचे फॉग लैम्प्स की हाउसिंग जो है अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड की गई है और अच्छी थ्रो देती भी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। फिर यहाँ पे नीचे स्किड प्लेट सिल्वर हाउसिंग की तरफ, और ये बढ़िया सा एक टेक्सचर भी दिया गया है फॉग लैम्प हाउसिंग के पास। हेडलैम्प काफी अच्छी है, थ्रो काफी अच्छी है, और ये क्रोम फिनिशिंग जो है ग्रिल्स का बड़ा प्यारा है। फिर यहाँ पे साइड की ओर चले तो यहाँ पे विंग मिरर्स पे आप देख सकते हैं बढ़िया सा छोटा सा इंडिकेटर प्लेसिंग है, लेकिन काफी इफेक्टिव है। यहाँ पे कोई पेडल लैंप्स नहीं दिया गया है, क्रोम फिनिश में हैंडल दी गई है। छोटा सा खोल के देखते हैं कि क्या है, बाद में हम इंटीरियर चेकआउट करेंगे। लेकिन पीछे की ओर चलने से पहले एक चीज़ जो नोट डाउन करवाना चाहते हैं कि कितनी अच्छी सी ये बढ़िया सा व्हील दिया गया है। यहाँ पे व्हील आर्चेस काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, प्रोनाउंस्ड व्हील आर्चेस जो है यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये नॉर्मल क्रेटा में थोड़ी सी डिफरेंट कलर की रहती है, लेकिन यहाँ पे सेम कलर की है। पीछे चले तो पीछे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि वो यहाँ पे टर्बो की बैजिंग जो है यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ नीचे जो है वो रियर वाली जो लाइट्स है वो वहाँ पे आपको ऑफर की जाती है, दोनों साइड्स में ही ऑफर की जाती है। और बढ़िया सा टेक्सचर भी नीचे दिया जाता है, उसके नीचे स्किड प्लेट्स भी नीचे दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर अलॉय व्हील्स पे एक बार ध्यान से नजर डाले तो डायमंड कट में फिनिश की गई है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे रूफ की ओर बढ़े तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दिख सकते हैं आप। मुझे ये नहीं पता कि ये फंक्शनल वाले हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फंक्शनल वाले नहीं है। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर में कौन कौन सी ऐसी खास खास डिजाइन चेंजेस है, क्योंकि एक्सटीरियर में बहुत कुछ हुंडई वेन्यू के पास देखा, तो हाइलाइट्स आप बताइए यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स। अगर मैं बताऊँ तो आपको बेसिक 1.2 इंजन पे अलॉय व्हील्स नहीं आती है, वो अलॉय व्हील्स आपको SX ऑप्शनल या SX वेरिएंट काफी खूबसूरत अलॉय व्हील्स काफी जो आपको प्रीवियस क्रेटा वाले डिजाइन से सेम इसमें मिल रही है, बस साइज थोड़ी छोटी है और छोटी है, लेकिन यहाँ पे वेन्यू के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी है, हिसाब से काफी बड़ी है वो 17 से 16 इंच है, दैट्स इट। वही काफी अच्छी साइज है। यहाँ पे व्हील आर्चेस भी काफी प्रोनाउंस्ड है, काफी प्रोनाउंस्ड है, अच्छी व्हील आर्चेस है। हेडलैम्प्स की जो पोजीशनिंग जो है लैंप्स का, हेडलैम्प्स का काफी बेटर है। वही पीछे चले, पीछे एलईडी हेडलैम्प्स है या नॉर्मल एलईडी? पीछे में आपको एलईडी क्रिस्टल इफेक्ट के साथ टेल लैंप्स मिलेगा। ओके, और काफी इफेक्टिव, काफी खूबसूरत टेल लैंप है, बहुत ही अच्छा है। डिटेलिंग पे ध्यान दे, वो जो क्रिस्टल इफेक्ट है वो काफी खूबसूरत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे जो जो जितनी भी मास टेक ऑन है
काफी अच्छे से फ्यूज हो जाती है। एक्सटीरियर में नॉर्मल वेरिएंस और इसमें कोई चेंजेस है? नॉर्मल वेरिएंस में अगर आप देखें तो एक्सटीरियर पे, जैसे अगर मैं S6 पे आता हूँ और S6 O में आता हूँ, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। इसकी हाईलाइटिंग पॉइंट है जैसे कि आपको पीछे रियर वाइपर एंड वॉशर, ये आपको सिर्फ टॉप एंड वेरियंट S6 O में मिलता है, ये आपको उसपे नहीं मिलेगा। क्रोम बॉडी हैंडल्स, ये आपको S6 O में मिलता है, ये आपको S6 वेरियंट में नहीं मिलता। ओके, तो ये यहाँ पे सर ने आपको बता दिया कि एक्सटीरियर में कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जैसे S6 O के लिए यहाँ पे रखा गया है, इंटीरियर में बदला। अब इंटीरियर्स में बढ़ने से ही सबसे पहले जो है स्टीयरिंग व्हील्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स सारी आपको मिल जाती है, वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंस, वॉल्यूम कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। ये यहाँ पे हेडलाइट्स की और वाइपर की जो फंक्शनिंग से यहाँ से आप कर सकते हैं। एसी वेंट्स काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड किया गया है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ सारी फीचर्स यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेसेस मिल जाती है, लेकिन एक जो है वहाँ पे एयर प्योरीफायर रखा गया है और लाइटिंग चेंज भी होती है एयर प्योरीफायर में। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग के साथ आपको दी गई है। और फिर यहाँ पे हम दूसरी पार्ट पे चले तो सन वाइजर जो है वो भी आपको अच्छे से दिया गया है। पैसेंजर में ग्लास है, यहाँ पे ग्लास नहीं है। ओके, अगर हम इसकी ग्लव बॉक्स देखें तो ग्लव बॉक्स काफी अच्छी डिसेंट साइज की ग्लव बॉक्स दी गई है, और इसके ऊपर ये जो स्पेस है ये भी काफी यूजफुल रहता है निकनैक्स रखने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, USB, AUX, पावर्ड सब कुछ यहाँ पे आपको दी गई है, सारी कनेक्टिविटी दिख सकती है। और बटन्स काफ़ी अच्छे फिट एंड फिनिश फील के साथ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर टच स्क्रीन रिस्पॉन्स की बात करें तो टच स्क्रीन रिस्पॉन्स लाजवाब है, बहुत स्मूथ, बहुत अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, और क्वालिटी इश्यूज यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे भी नज़र नहीं आते। डैश की क्वालिटी माने या टच स्क्रीन की रिस्पॉन्स, सब कुछ बहुत ही बटर स्मूथ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ब्लू लिंक के साथ यहाँ पे आपको दी जाती है, जिसमें आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। अगर इसकी हम सनरूफ खोले तो सनरूफ का एक बटन है, एक बटन आप दबाएंगे तो सनरूफ खुल जाएगा, और खुलते से ही एक छोटी डिसेंट साइज की जो इस गाड़ी में अच्छी खासी साइज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, और बटन से ही आप फिर से सनरूफ को जो है वो बंद भी कर सकते हैं। आपको मैंने दिखा दिया कैसे बंद करते हैं, अब आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम रियर सीट की बात करें तो रियर सीट में पहले ही क्वालिटीज की ऐसी कोई इश्यूज नहीं है, वेन्यू में बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी हर एक पार्ट पे यूज किया गया है। लेकिन आप अगर रियर सीट में बैठते हैं तो थोड़ी सी स्पेस की कमी आपको खलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। सामने आर्मरेस्ट के पीछे रियर एसी वेंट्स काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इफेक्टिव है, हुंडई की एसी काफ़ी इफेक्टिव होते भी हैं और यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाती है, ओवरऑल एम्बियंस ठीक है। यहाँ पे पीछे जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। फिर यहाँ पे नीरूम की बात करें तो डिसेंट अमाउंट ऑफ नीरूम जो है वो प्रोवाइड की जाती है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड किया गया है जो स्कल्प्टेड है, वो स्लोपिंग रूफ लाइन होने के बावजूद भी एक अच्छी हेडरूम दे देती है। अब इंटीरियर में हम ये नहीं बताने वाले कि क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंटीरियर में बहुत सारी डिफरेंसेस है। बिल्कुल, यहाँ पे फीचर्स के बारे में सबसे पहले, क्योंकि इंटीरियर लेआउट तो आपने देख लिया है काफी अच्छी लेआउट है, फीचर्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी ऐसी फैसिनेटिंग फीचर्स है? सबसे फैसिनेटिंग फीचर अगर आप बोले तो ब्लू लिंक के साथ लॉन्च किए गए थी हमारा बिल्कुल ग्लोबली लॉन्च की थी, बिल्कुल रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, बैटिंग ऑटोमेटिकली, तो बहुत सारे फीचर्स है। अगर आपको 8 इंच स्क्रीन देखें तो फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है, सिस्टम का काफी अच्छा पोजीशन में दिया गया है, काफी अपराइट आपको अभी मिलेगा फ्रंट, काफी खूब अच्छा है। हाँ वो तो है कि ओवरऑल जो चीजें हैं ब्लू लिंक में यहाँ पे कितने सारे फीचर्स है, 33 शायद से 33 ब्लू लिंक फीचर, रैम प्योरीफायर भी दिया गया है, वो चीज जो है वो आपको दिख रही होगी ऑन स्क्रीन पे, एयर प्योरीफायर काफी अच्छे से लाइट अप भी हो जाता है, वो आपको एयर के हिसाब से वो कलर भी चेंजेस आते हैं, वही चीज है, वो बहुत सुंदर लगे।
और यहाँ पे SXO वेरिएंट हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ये टर्बो वाला है, ये 1 लीटर वाला SXO 1 लीटर। तो यहाँ पे SXO में और कौन सी इंजन ऑप्शन अवेलेबल है? SXO में आपको और इंजन ऑप्शन मिलती है, एक यही वाली ऑप्शन है 1 लीटर टर्बो इंजन, जिसे डीजल में 1.5 लीटर, वो भी मैनुअल में, मैनुअल ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है यार, SXO में शायद से उतनी ज्यादा प्राइस जो है प्राइस टैग बढ़ जाएगी, इसीलिए ऑटोमेटिक नहीं प्रोवाइड किया कंपनी ने, कुछ सोच समझ के नहीं किया है, करना चाहिए था प्रीमियम कंपनी। देखिए अभी वही रिव्यूज की अगर हम बात करें तो कस्टमर रिव्यूज में कंपनी काफी ध्यान दे रही है, और हो सकता है नेक्स्ट वेरिएंट पे कुछ अपग्रेड करके आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट दे दे। बिल्कुल, वैल्यू फॉर मनी कितनी कितनी प्राइस टैग है इसकी? प्राइस टैग देखिए तो आपको SXO 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको 10,85,000 की स्टार्टिंग प्राइस में मिलती है। ओके, और सेम अगर आप डीजल की बात करें तो वो 11,39,800। ओके, ज्यादा गैप नहीं है पेट्रोल एंड डीजल के, और काफी वैल्यू फॉर मनी। हां, यहां पेट्रोल में जो है ये जो इंजन है ये टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, तो परफॉर्मेंस इस इंजन का अलग लेवल का है। बिल्कुल बिल्कुल, कमियां क्या क्या है हर एक गाड़ी में? कुछ हर एक गाड़ी पे हर एक कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से कमियां किसी को होती है, किसी को प्राइस ज्यादा लगता है, किसी को फीचर कम लगता है। तो एज पर कस्टमर, किसी कस्टमर को जैसे लगता है कि हाँ बॉडी का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफनेस है, किसी को लगता है कि डैशबोर्ड थोड़ा सा और इजी कम्फर्ट मुझे बना सकते हैं। ओके, और ऐसे कुछ खामियां मुझे तो नहीं दिखती है, बाकी आप ही लोग रिव्यू में बताइए तो हम लोग भी अगर चेक करें इस तरीके। ओके, तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो है कि व्हेन यू सपोर्ट मीटर SUV तो है, लेकिन पीछे जो है थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस अगर ये अकोमोडेट कर लेते, जैसे कि सेंट्रो में इन्होंने काफी अच्छी स्पेस सेविंग मेजर्स करी थी, ऑफ कोर्स वेन्यू थोड़ी सी प्रीमियम कार है तो स्पेस सेविंग मेजर्स करनी नहीं थी, लेकिन अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेस होती तो मुझे लगता और थोड़ा सा अच्छा पैकेज जो है वो बन जाता। सीधे आज एक वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सर को धन्यवाद देते हैं, अगर आपको आगे मुकेश हुंडई बोलना जरूरी नहीं है, आपको पता चल गया होगा, तो अगर आपको हुंडई की कोई गाड़ी लेनी है, इतनी अच्छी एक्सपीरियंस इतने अच्छे से कौन आपको समझाएगा। तो इसी से वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।